डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th में हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं, वो साइंस में नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। नियंत्रण एवं समन्वय के पीछे चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में कुछ प्रश्न उत्तर को, क्वेश्चंस आंसर्स को किए थे। चलिए आगे न्यू टॉपिक्स को करते हैं, एक नया टॉपिक्स। तो टॉपिक्स दिया जाए जंतुओं में हार्मोन। जी हाँ, इसके पिछले हम लोग पढ़ रहे थे पादपों में हार्मोन, कि पादपों में भी हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सभी हार्मोन्स पाए जाते हैं पौधों में, ताकि उनमें वृद्धि, विकास, उनमें जो नियंत्रण हो, समन्वय हो, ये सब को कंट्रोल किया जा सके वो हार्मोन की वजह से। उसी तरीके से अब हम लोग आए हैं जंतुओं में हार्मोन पढ़ने के लिए। जंतुओं में बेसिकली मानव के अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या यूज है मानवों के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पौधों में हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं उसके बारे में पढ़े थे, कि अलग अलग हार्मोन्स के क्या क्या काम हैं, क्या क्या यूज हैं। उसी तरीके से मानव में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग कार्य होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जंतु हार्मोन कहा किसको जाता है। तो फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे जंतुओं में वृद्धि कौमा विकास कौमा सूचना का परिवहन और नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक रसायन स्रावित होता है जिसे जंतु हार्मोन कहा जाता है, जी हाँ। तो जंतुओं में हार्मोन क्या होता है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि जंतुओं में वृद्धि विकास सूचना का परिवहन या नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक रसायन स्रावित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जंतु हार्मोन। यानी कि सिंपल पादप हार्मोन किसको कहते हैं, तो जो पादपों में वृद्धि विकास नियंत्रण समन्वय के लिए अनुक्रिया करता है उसको पादप हार्मोन, और जो जंतुओं में वृद्धि विकास ये सब के लिए कंट्रोल को नियंत्रित करने के लिए जो रसायन स्रावित होता है उसको हम लोग कहते हैं जंतु हार्मोन। तो कुल मिलाकर जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन का काम यही है, बस अंतर इतना है कि पादप हार्मोन पादप के लिए हैं और जंतु हार्मोन जंतुओं के लिए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकेंड एरो देंगे, लिखेंगे मानव के अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला एड्रीनलिन हार्मोन रासायनिक संकेतों को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, अब चलिए देखिए, अब अलग अलग हार्मोन्स का नाम यहाँ पे आना शुरू हो गया है। ऐसे ही नाम याद रखिएगा, एड्रीनलिन हार्मोन। अब ये हार्मोन्स जो है किस में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मानव में पाए जाते हैं, और मानव के किस अंग में से ये निकलता है, तो अधिवृक्क को हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किडनी से
किडनी से स्रावित होता है, जिसको वृक्क कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर मानव के ये किडनी से रिलीज होता है, निकलता है कौन, एड्रिनलिन हार्मोन। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि पूरे शरीर में संकेतों को पहुंचाना। हम लोग अभी इसके पहले पढ़ रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें हम लोग पढ़े थे ना कि जब हम लोग किसी को चींटी काटते हैं तो तुरंत पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के वजह से। अब तंत्रिका तंत्र में एक रसायन रिलीज होता है, वही रसायन है एड्रिनलिन हार्मोन। अब ये जो है पूरे शरीर में घूमते रहता है, तभी ना हमेशा इसका जो है साइकिलिंग होते रहता है, हमेशा ये चक्कर काटते रहता है। पूरे शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन बटा हुआ है, और इसी रसायन की वजह से हमें कोई टच करता है, हमें कुछ कोई टच करता है, या फिर कोई मारता पीटता है, किसी स्थान पे कांटा चुभता है, तो हमें इस चीज़ का तुरंत हमें पता चलता है, क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन मानव के अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, और इसका काम है पूरा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और ये पूरे शरीर के विभिन्न भागों में बटे रहते हैं। ठीक है, अब रहा बात कि एड्रिनलिन हार्मोन पूरे शरीर में फैलाया कैसे जाता है, तो ये एड्रिनलिन हार्मोन जो है खून के साथ मिलकर, रुधिर के साथ मिलकर पूरे विभिन्न अंगों तक फैले रहते हैं। याद रखिएगा, एड्रिनलिन हार्मोन के वजह से यह एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, और ये निकलता कहाँ है, तो किडनी से इसकी मात्रा निकलती है और पूरे शरीर में फैलती है, और फैलाया किससे जाता है, हमारे ब्लड में मिलकर, हमारे खून में मिलकर ये पूरे शरीर में फैलते हैं। तो चलिए अगली बार अगले टॉपिक्स लिखे जाएं लिखेंगे टॉपिक्स नहीं सॉरी एरो, अगला एरो देकर लिखेंगे एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन सीधा सीधा रुधिर में स्रावित होता है। रुधिर, रुधिर का मतलब खून, ब्लड, रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। याद रखिएगा, शरीर के विभिन्न भाग तक एड्रिनलिन हार्मोन पहुंचता कैसे है, तो ब्लड के साथ मिलकर, ब्लड में मिल जाता है, रुधिर में मिल जाता है, स्रावित होता है, और ये ब्लड के माध्यम से, क्योंकि हम लोग तो पढ़े ही हैं कि हमारा जो खून है वो पंपिंग के वजह से, हमारा हृदय पंप करते रहता है, इसके वजह से हमारे पूरे शरीर में ब्लड का परिवहन होता है या पहुंचाया जाता है। कुल मिलाकर जितने भी जंतु हार्मोन हैं वो सभी किसके अंतर्गत रखा गया है, ये भी जान लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि उसको कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर स्रावित होते रहते हैं, उस अंतः का मतलब अंदर, स्रावित का मतलब निकलना, सोर्स। ठीक है, जहाँ से, जैसे कोई नदी अगर जहाँ से निकलती है उसको उद्गम स्थान कहते हैं। ठीक है, या फिर जो कहीं भी बस जो है जहाँ से शुरू होती है उसको कहते हैं प्रस्थान होना, वैसे ही जब कोई केमिकल्स जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, यानी जिसको हार्मोन हम कह रहे हैं, वो सभी हार्मोन कहाँ से रिलीज होती है, अंतःस्रावित ग्रंथि से, यानी कि सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि में भाग लेते हैं। तो चलिए इस बात को भी लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर, लिखेंगे जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि के भाग हैं। अंतःस्रावी, स्रावी पढ़ते हैं, आधा सा त्रावी लिखते हैं, अंतःस्रावी हो गया है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि के भाग हैं जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का, नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है, नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं जितने भी हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे जंतु हार्मोन्स में, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं,
अंतःस्रावी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जितने भी जंतु हार्मोन, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े एड्रिनलिन हार्मोन, ये एड्रिनलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, जो इसका नाम है किडनी, वृक्क से ये स्रावित होता है, अधिवृक्क से ये निकलता है। इसका काम है सभी सूचनाओं को पूरी शरीर में फैला देना, और ये रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैले होते हैं, जिसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। चलिए, उसके बाद एक और नया हार्मोन जो कि जंतु में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, लिखेंगे ओटू ग्रंथि, ओवटू, ओवटू ग्रंथि। नाम क्या है इसका? ओवटू ग्रंथि को थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, देखिए क्या लिखे हैं, ओटू ग्रंथि। ये ओटू ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? हमारे गले में पाए जाते हैं, गला, गले में ये ओटू ग्रंथि पाया जाता है। तो लिखेंगे ओटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन आवश्यक है, अतः हमें आयोडीन युक्त नमक का, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, याद रखिएगा। अब एक और नया हार्मोन्स, देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे एड्रिनलिन हार्मोन, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए कि इसका काम क्या है। अब हम लोग आते हैं एक नया हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। सबके हार्मोन्स के बारे में आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलता कहाँ से है? तो ओटू ग्रंथि से ये स्रावित होता है। अब ओटू ग्रंथि पाया कहाँ जाता है? तो हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है ओटू ग्रंथि, और इसी ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, लेकिन बनता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए फिर हमको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, आयोडीन। इसीलिए ना लिखा रहता है, या प्रचार भी देखते होंगे कहीं, ये इसका नोटिफिकेशन भी आता है कि आप आयोडीन युक्त ही नमक खाइए। क्यों? क्योंकि जब आयोडीन युक्त नमक आप खाएंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ओटू ग्रंथि को चाहिए आयोडीन। अब इसको चाहिए आयोडीन किस लिए भाई? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है। आखिर ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये नहीं बनेगा तब हमें क्या प्रॉब्लम्स होगी, या फिर बोलिए कि अगर आयोडीन युक्त नमक अगर हम लोग नहीं खाएंगे तब क्या प्रॉब्लम होगा। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि जो थायरोक्सिन हार्मोन हम लोग पढ़े ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से बनता है? ओटू ग्रंथि से बनता है, ओटू ग्रंथि से निकलता है। लेकिन ये ओटू ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन तभी निकलेगा जब इसमें आयोडीन की मात्रा होगी, यानी कि आयोडीन की मात्रा अगर होगी तभी थायरोक्सिन बनेगा, अन्यथा अगर हमारे शरीर में या फिर नमक हम आयोडीन युक्त का नहीं करेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो अभी फिलहाल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? राइट आंसर इज ओटू ग्रंथि। ठीक है, अब ओटू ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या जरूरत है? तो आयोडीन युक्त नमक चाहिए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट आरो देंगे, लिखेंगे थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट कॉमा प्रोटीन तथा वसा के उपापचय, उपापचय का मतलब होता है पाचन, उपापचय का हमारे शरीर में, उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए
संतुलन उपलब्ध कराया जा सके, वृद्धि के लिए संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। याद रखिए, अभी तो हम लोग सीख रहे थे कि थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। अब बनेगा कैसे? जब आयोडीन युक्त भोजन करेंगे। जब आयोडीन युक्त भोजन कर लिए तब ओ2 ग्रंथि का काम है कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाना। अब थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट अभी टॉपिक्स पे बात करने वाले थे और अभी हम लोग समझा भी रहे हैं, समझिए ध्यान से। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन तीन चीज़ याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन चीज का ये काम करता है दोस्त। जो भी हम लोग खाते पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जैसे हम रोटी दाल चावल ये सब खाएं, तो जिस जो जो चीज़ खाएं उससे कार्बोहाइड्रेट को निकालना, प्रोटीन को निकालना, वसा को निकालना, ये तीन चीज़ को निकालने के काम करता है भोजन से कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। ये अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं रहेगा तब हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, वसा नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को क्या करता है, नियंत्रित करता है या उपापचय। उपापचय का मतलब जैसे ही हमारे भोजन भोजन हमारे शरीर में छोटी आंत में पचता है तब उसी टाइम पचते वक्त ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का नियंत्रित करती है, उसको एक एब्जॉर्ब कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। यानी कि इसका काम है, थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को एकत्रित करके हमारे वृद्धि या संतुलन में इसको संतुलन करने के लिए। जैसे मान लिया कि हम वृद्धि कर रहे हैं या हमारे शरीर की अंगुलियां, जब हम छोटा थे तो छोटा उंगुली था, छोटे छोटे बच्चों का छोटे छोटे अंगुली रहते हैं, छोटे छोटे पैर रहते हैं, छोटा सा मुंह रहता है, लेकिन ये जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का मात्रा ज़्यादा होने लगता है, शरीर में वृद्धि होने लगती है। तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन का ही काम है क्या, कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करके हमारे शरीर को नियंत्रित करता है ताकि वृद्धि के लिए संतुलन बनाया जा सके। तो ये था हम लोगों का थायरोक्सिन हार्मोन। अच्छा, मान लिया कि थायरोक्सिन अगर नहीं रहेगा तब क्या होगा, तो देखिए थायरोक्सिन अगर कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए क्योंकि अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो याद रखिएगा एक रोग होता है जिसको कहते हैं ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर, इसको घेंघा रोग भी कहते हैं, घेंघा रोग, ठीक है। इसमें जो है गर्दन जो है फूल जाता है या सूज जाता है, किसके कमी से, तो ग्वाइटर रोग यानी कि आयोडीन की कमी से। तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। अगर थायरोक्सिन, अगर आयोडीन युक्त भोजन नहीं करेंगे तो याद रखिएगा हमारे हमारे शरीर में एक घेंघा रोग हो जाएगा जिसको ग्वाइटर रोग कहते हैं, और इस घेंघा रोग का लक्षण है कि हमारा गर्दन जो है फूल जाता है, सूज जाता है, ठीक है, गर्दन में सूजन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे लिए ये प्रॉब्लम का जड़ बन सकता है। तो याद रखिएगा, चलिए फिर से इस नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे थायरोक्सिन के लिए आयोडीन अनिवार्य मतलब जरूरी है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो तो हम ग्वाइटर ब्रैकेट में घेंघा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम आयोडीन युक्त भोजन नहीं करेंगे तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, यानी कि थायरोक्सिन बनने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। अगर आयोडीन युक्त भोजन नहीं करेंगे तो यही रोग का नाम ही हो जाता है, ग्वाइटर या घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है। और घेंघा रोग जो है, इसका पहचान है कि घेंघा रोग या ग्वाइटर में गर्दन में जो है सूजन हो जाती है, गर्दन फूल जाती है। तो लिखेंगे नेक्स्ट एरो, ग्वाइटर से पीड़ित व्यक्ति का लक्षण
ग्वाइटर से पीड़ित व्यक्ति का लक्षण में उनकी गर्दन में सूजन ब्रैकेट में फूल जाती है, या देखिए सूजन हो जाती है या फूल जाती है। तो ये एक तरीके का ग्वाइटर रोग का लक्षण है, पहचान है कि जिसको भी ग्वाइटर रोग होगा उसकी गर्दन क्या होगी, तो उसकी गर्दन में सूजन हो जाएगी, गर्दन फूल जाएगी। तो इस तरीके से अभी जंतु हार्मोन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग ये पढ़े हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनालिन दो हार्मोन्स के बारे में भी पढ़े हैं। जंतुओं में और भी हार्मोन्स है जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, तो आज हम लोग दो हार्मोन्स पढ़े। हालांकि थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में भी और भी एक दो पॉइंट्स बच गया है, उसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। यही टॉपिक रहेगा जंतुओं में हार्मोन, और जितना हम लोग एरो पढ़े हैं इसी के आगे एरो पढ़ेंगे। यह टॉपिक सभी ख़त्म नहीं हुई है, और भी हार्मोन्स है जो जंतुओं में पाया जाता है, उनका काम अलग अलग होता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।